हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 0.28 में हम 0.4 का डिवाइड कैसे करें, जिसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, 0.4 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले इस पॉइंट को हटाते हैं। तो देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो ये पॉइंट हटेगा। यह जो पॉइंट है, ये आपका एक अंक पीछे चला जाएगा। यहाँ से हट गया पॉइंट, यहाँ आ गया। तो अब ये डिवाइड आपका क्या बन गया है, कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसे, यहाँ रह गया 4 और ये कितना बन गया, 2.8 बन गया। ये हुआ कैसे है वो हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ऊपर आपका 1 के साथ 10 आ गया। अब 0.28 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, 2.8, नीचे कितना आ गया, 4। ऐसे समझ लो, पॉइंट 1 के बाद कितना 0 है, 1 के बाद 1 0 है, तो ये पॉइंट आपका 1 डिजिट पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिवाइड हम तभी कर पाएंगे जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। तो यदि एक अंक की संख्या, तो पहले एक अंक के साथ तुलना करो, क्या 4 से बड़ी है, नहीं है। फिर अगला अंक शामिल करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ये पॉइंट दिक्कत है, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हटाते हैं, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाता है, कितना बन गया, 28, 4 से बड़ा है। यस, अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 28 से बड़ा ना है। देखिए, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। 7 बार लिया, कितना गया, 28। फिर माइनस किया, 0 आ गया। 0 आपका क्या है, सेंसफल है, और ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने 0.28 में 0.4 का डिवाइड किया, कितना आ गया, 0.7 आ गया।